न्यूजीलैंड सीरीज बाबर आजम सलमान अली आगा फील्ड पर क्यों नहीं आए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट के तीसरे दिन कप्तान बाबर आजम और नौजवान बीटर सलमान अली आगा फील्ड में नहीं आ सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB तर्जुमान के मुताबिक बाबर आजम समेत चंद खिलाड़ी वायरल फ्लू का शिकार हैं, जिसके बाइस वो फील्ड में नहीं जा सके। ताहम इस दौरान सरफराज अहमद ने कौमी टीम की संभाली हुई है। नाकिस फॉर्म की वजह से कराची टेस्ट से बाहर हो जाने वाले नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बतौर मुतबादिल खिलाड़ी कुछ देर विकेट कीपिंग भी की। वाजह रहे कि बाबर आजम और सलमान अली आगा ने पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरीज स्कोर की थी। सलमान अली आगा पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं आ सके थे। कौमी टीम की संभाली हुई है। नाकिस फॉर्म की वजह से कराची टेस्ट से बाहर हो जाने वाले नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बतौर मुतबादिल खिलाड़ी कुछ देर विकेट कीपिंग भी की। वाजह रहे कि बाबर आजम और सलमान अली आगा ने पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरीज स्कोर की थी। सलमान अली आगा पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं आ सके थे। सलमान अली आगा ने पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरीज स्कोर की थी। सलमान अली आगा पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं आ सके थे। अली आगा पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं आ सके थे। फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं आ सके थे।